मॉर्निंग एवरीवन, वीडियो ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा वर्मा, प्रवक्ता, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, GRWPC जोधपुर। फ्रेंड्स, आज हम प्रथम वर्ष की छात्राओं को पढ़ाए जाने वाले विषय बेसिक स्विंग टेक्निक CD 127 की फर्स्ट यूनिट बेसिक हैंड स्टिच के पार्ट वन टेम्पररी स्टिच के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। बेसिक हैंड स्टिच अर्थात बुनियादी हाथ के टांके, जिस प्रकार किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पूर्व उसका प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार गारमेंट कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पूर्व सिलाइयां एवं उनमें यूज आने वाले टांकों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें बेसिक स्टिच का नॉलेज नहीं होगा तो स्विंग वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। हाथ से की जाने वाली सिलाइयां कई प्रकार से की जाती है, जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। मुख्यतः ये दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड में, टेम्पररी स्टिच एंड परमानेंट स्टिच। आज हम अस्थायी टांके बनाना सीखेंगे, यानी टेम्पररी स्टिच। जिन टांकों को बनाने के बाद आवश्यकता पूर्ण होने पर पुनः खोलकर हटा दिया जाता है, वे सभी टेम्पररी स्टिच कहलाते हैं, जैसे बास्टिंग अर्थात कच्चा टांका। ये टेम्पररी स्टिच चार प्रकार की होती है, इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग, डायगनल बास्टिंग एंड स्लिप बास्टिंग। फ्रेंड्स, आज हम इवन बास्टिंग एंड अनइवन बास्टिंग बनाना सीखेंगे। इवन बास्टिंग एंड अनइवन बास्टिंग बनाने के लिए जिन जिन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है, रूलर्स जिसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है, कटिंग सीजर, थ्रेड कटर, चौक, टेलर चौक, थ्रेड, निडल एंड फैब्रिक। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक 6x6 का फैब्रिक लिया है। को बनाने के लिए दो लाइन बना लेंगे। टेम्पररी स्टिच बनाने के लिए हमेशा सिंगल थ्रेड का यूज करते हैं। इस सुई में हमने सिंगल थ्रेड यूज किया है और इसके एंड पर नॉट लगा देनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। अनइवन बास्टिंग, कपड़ों की दो लेयर हैं, दो लेयर को होल्ड करने के लिए टेम्पररी स्टिच में अनइवन बास्टिंग का यूज किया जाता है। इसके अंदर सुई को एक टांका छोटा, एक टांका बड़ा, ये देखिए, अनइवन बास्टिंग का प्रयोग स्पेशली गारमेंट बनाते समय अस्तर के जो कपड़े होते हैं उन अस्तर के कपड़ों को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये वे टांके होते हैं जिनको बनाने के बाद पुनः खोलने की आवश्यकता पड़ती है, या गारमेंट बनाते समय जैसे डार्ट बनाया जाता है तो डार्ट को स्टिच करने से पूर्व अनइवन बास्टिंग की जाती है। ये देखिए, इसमें अनइवन टांके आ रहे हैं, इसमें निडल से एक छोटा और एक बड़ा टांका आ रहा है, ये देखिए अनइवन वास्टिंग। इसके अंदर आप देख रहे हैं दो टांकों के बीच का स्पेस कम है, जबकि टांके की मेन टांके की लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है। जब भी कपड़ों के दो भाग अटैच करने होते हैं या उनको होल्ड करना होता है तो होल्ड करने के लिए इनका यूज किया जाता है, और इसको बनाने के बाद
जहाँ ये नॉट लगी है उसे खोल के पुनः निकाल दिया जाता है। अब हम इवन बास्टिंग करेंगे, धागे में फिर से नॉट लगाएंगे और सिंगल थ्रेड ही यूज करेंगे क्योंकि बास्टिंग है यानी कच्चा टांका, इसको टैकिंग भी कहा जाता है, इवन बास्टिंग। इवन यानी समान। इसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर हमें बहुत सारी लाइनें एक साथ ड्रॉ करनी होती है और उसके ऊपर सिलाई का कार्य करना होता है, जैसे कि बच्चों की फ्रॉक बनाते समय स्मोकिंग की जाती है या योग पार्ट में स्मोकिंग करनी हो और वहां पे इवन स्टिच लगानी होती है, स्मोकिंग के लिए बहुत सारी लाइन डालनी होती है, तो वहां पर इवन बास्टिंग का यूज करते हैं। इवन जो बन रही है आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इसका स्पेस जो है दो टांकों के बीच का और जो टांका आपको दिखाई दे रहा है वो इवन है यानी एक समान है। जो लेंथ दिख रही है आपको, देखिए ये जितनी लेंथ है उतने ही दो टांकों के बीच का स्पेस है, यानी कि इसकी लेंथ और स्पेस दोनों बराबर होते हैं। इसका यूज जेंट्स गारमेंट जैसे कोट बनाते हैं तो उसकी जो एज होती है उनकी लेयर्स को जमाने में भी इवन बास्टिंग की जाती है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। बना दिया है, ये पीछे से इसका लुक देखिए, अनइवन एंड इवन बास्टिंग। इवन बास्टिंग बनाने के बाद पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें हम इसको छोटी सी नॉट लगा के इसको क्लोज कर देंगे, नॉट टू टाइम्स लगाएंगे और थ्रेड कटर से इसको कट कर देंगे। ये देखिए अनइवन बास्टिंग एंड इवन बास्टिंग, इसके अंदर सिंगल थ्रेड दोनों में हमने यूज किया है और दिखने में इस प्रकार दिखाई देती हैं। आई होप कि आपको ये स्टिच समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लिप बास्टिंग एंड डायगोनल बास्टिंग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।